हेलो एवरीवन आई एम आकांक्षा एंड वेलकम टू पिनेकल कोचिंग तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चंस जो टीसीएस से पूछे हैं एसएससी सीजीएल टीयर वन 2022 में तो ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था 11 अप्रैल से 21 अप्रैल 2022 में अभी रिसेंट पीछे ही कंडक्ट किया गया था एग्जाम तो इस एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए थे बायोलॉजी सेक्शन से वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कि बायोलॉजी सेक्शन से टीसीएस ने क्या क्वेश्चन पूछे थे अभी एस एस सी सी जी एल टीयर वन में जो एग्जाम अभी पीछे ही कंडक्ट हुआ है अप्रैल के मंथ में ठीक है तो बिना देरी के देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हाँ जी जल्दी से बताइए न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी ऑफ प्लांट्स इज बेस्ड ऑन विच ऑफ पौधों में संख्यात्मक वर्गीकरण इनमें से किस पर आधारित है ऑल ऑब्जर्वेबल क्रैक्टिस्टिक्स केमिकल कॉन्स्टिट्युए स्ट्रक्चर या क्रोमोजोम नंबर हाँ जी टफ क्वेश्चन है बायो से क्वेश्चन ये वाला दिया गया था अभी टीसीएस ने कराया दिया है ये क्वेश्चन S. 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 है, है, वो सारे के सारे जो है उनपे बेस्ड होता है ये न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी राइट अब ये कंसेप्ट किसने दिया था ये कॉन्सेप्ट दिया था रॉबर्ट आर सोकल ने एंड पीटर एच ए स्मिथ ने कब दिया था 1963 में राइट इसके अलावा एक बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन थे तो आपको आंसर क्या करना है अगर ये क्वेश्चन आएगा तो कैरोलस लीनियस राइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमैटोफोर्स आर स्पेश आपको बताना है कि न्यूमैटोफोर क्या चीज है स्पेशलाइज्ड सीड है स्पेशलाइज्ड रूट्स है या स्पेशलाइज्ड फ्रूट्स है या स्पेशलाइज्ड फ्लावर्स हैं इन हाइड्रोफाइट्स। अब हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं हाइड्रोफाइट्स हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट्स हैं जो पानी में रहते हैं ठीक है जैसे लोटस हुआ वो एक हाइड्रोफाइट है ठीक है चलिए फटाफट से बताइए न्यूमेटोफोर्स के बारे में राइट जो रूट्स कह रहे हैं बिल्कुल सही है न्यूमेटोफोर्स जो है एक तरह के स्पेशलाइज रूट्स होते हैं ठीक है हाइड्रोफाइट्स के हाइड्रोफाइट्स में क्या है कि प्लांट जो है हर वक्त पानी में रहता है पानी क्लॉक्ड रहता है तो रूट्स को एयर लेने के लिए जो है नीचे से ऊपर की तरफ आना पड़ता है तो ये रूट्स जो होती है कुछ इस तरह से आ, आ, अर्थ से बाहर की तरफ निकलती है बाहर के लिए निकलती है क्या फंक्शन है इनका रेस्पिरेशन मतलब एयर लेने के लिए ऑक्सीजन लेने के लिए इनको बाहर की तरफ आना पड़ता है क्योंकि पानी एकदम क्लॉग्ड होता है तो जो आ, मिट्टी के अंदर सॉइल के अंदर जो पोर्स होते हैं वहां से हवा नीचे नहीं जा पाती है तो ये रूट्स ऊपर आ जाती है ठीक है तो ऐसी रूट्स को क्या बोलते हैं न्यूमेट्रोफोर्स क्या एग्जाम्पल है इसका मार्श मार्शी लैंड्स में पाए जाने वाले जितने भी पौधे हैं वहां पर ये जो है है वो पाई जाती हैं ठीक मैंग्रोव्स इसका एग्जाम्पल है राइट आर स्पेशलाइज्ड रूट स्ट्रक्चर दैट ग्रो आउट फ्रॉम द वॉटर सरफेस एंड फैसिलिटेट द एरिएशन नेसेसरी फॉर रूट रेस्पिरेशन इन हाइड्रोफिटिक ट्रीज ठीक है सच एज मैंग्रोव स्पीशीज चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है आपको बताना है कि कितना पोर्शन एटलीस्ट कितना पोर्शन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अर्थ फिक्स करती है अर्थ में फिक्स होता है बाय एलगी थ्रू रेस्पिरेशन ठीक है पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण का कम से कम कितना प्रतिशत मतलब कि कितना पार्ट सॉरी प्रतिशत नहीं है परसेंटेज नहीं है कितना जो पार्ट है वो जो है एलगी फोटोसिंथेसिस के थ्रू फिक्स करती है अ क्वार्टर अ हाफ वन टेंथ या वन थर्ड हां जी बताइए क्या है इसका आंसर क्वेश्चन नंबर थ्री राइट बी जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है हाफ राइट एटलीस्ट हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एलगी थ्रू फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सबको ही पता है प्लांट्स जिसके थ्रू जो है आ, अपना फूड बनाती है ठीक है क्या यूज होता है फोटोसिंथेसिस में CO2 टू यूज होता है ठीक है और वाटर यूज हो हो ही रहा है और एयर और सनलाइट यूज हो रही है ठीक है और बनता क्या है ग्लूकोस ग्लूकोस सी सिक्स ट्वेल्व ओ सिक्स ठीक है और ओ टू रिलीज हो जाती है ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट है इसके अलावा और क्या पूछा जा सकता है फादर ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में पूछा जा सकता है तो आंसर क्या होगा जैन इंगे हाउस ठीक है ये जो है इनको जाना जाता है एज अ फादर ऑफ फोटोसिंथेसिस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज व नट ऑफ एन ओक ट्री कॉल्ड आपको बताना है ओक के पेड़ के जो नट होता है दृढ़ फल जिसे बोलते हैं उसको क्या कहा जाता है कोला नट एकोन कोडेमिया या चेस्टनट राइट right. जो बी कह रहे हैं एक आ, वो सही है ठीक है तो ओक ट्री में जो नट होता है उसको बोला जाता है एक, right? एक भी बोलते हैं ओक नट भी इसको बोला जाता है ठीक है इसके अलावा कोला नट कोला नट किसका फ्रूट है कोला ट्री कोला ट्री जो है उसपे जो फ्रूट लगता है उसपे जो नट लगता है उसे बोलते हैं कोला नट राइट right? कहाँ का नेटिव है ये ट्री वो है वेस्ट अफ्रीका का इसके अलावा थर्ड ऑप्शन जो था वो क्या था मैकाडेमिया uh, मैकाडेमिया जो है वो जीनस है किसी नट का नाम नहीं है वो जीनस है कौन सी फैमिली का uh, प्रोटीएशी फैमिली का फिर आता है चेस्टनट चेस्टनट क्या है ये डेसीडियस ट्रीज uh, है शर्ब्स है जीनस यहाँ पे लिखा है और फैमिली से बिलोंग करते हैं फैग राइट चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कोडेट्स ठीक है एनिमल फाइलम से क्वेश्चन आया है कोडेट्स के बारे में आपसे पूछा है कि कोडेट्स इसमें यहाँ पे जो स्टेटमेंट है इसमें से कोडेट्स के बारे में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है ठीक है ऑप्शन क्या दिए आपको नोटो कोड इज प्रेजेंट अः हार्ट इज डोरसल ऑल लेटरल प्लेस्ड और एबसेंट अ पोस्ट एनल टेल इज एबसेंट डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कोड देखिए जब एनिमल फाइलम आप प्रिपेयर करेंगे तो उस टाइम पे सारे के सारे फाइलम के कुछ करेक्टरस्टिक्स है वो आपको याद रखना है तो कोडेट्स के भी फाइव करेक्टरस्टिक्स है जो आपको याद रखना है अगर आपको याद है तो आपको, तो आपको इसका आंसर पता होगा चलिए फटाफट से देखिए राइट right, जो बी कह रहे हैं बिल्कुल सही है हार्ट इज डोर्सल और लेट्रल प्लेस्ड होता है या फिर एबसेंट होता है चलिए तो फाइव करेक्टिस्टिक्स जो है के वो क्या है कि अपनी पूरी लाइफ साइकिल में किसी एक स्टेज पे उनके पास नोटोकोड होगी ये एक उसका फीचर है दूसरा फीचर है होलो ट्यूबुलर नर्व फीचर थर्ड फीचर है फ्रेंजल स्लिट्स होती हैं एंडोस्टाइल या थारॉइड ग्लैंड होती है और फिफ्थ uh, है आपका पोस्ट नेटल टेल पोस्ट नेटल टेल भी होती है ठीक है इसके साथ ही यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी आपको याद करना बहुत जरूरी है एग्जाम्पल्स क्या दिए हैं यहाँ पुअर सैनिटेशन कंडीशन में नॉट बी द लाइकली रीजन बिहाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज एंड कंडीशन आपसे पूछा है इसमें से किस बीमारी या स्थिति के पीछे खराब स्वच्छता की स्थिति संभावित कारण नहीं हो सकती ऑप्शन क्या दिया है टाइफॉइड टाइफॉइड गंदे पानी से होता है हाइजीन की वजह से होता है आ, अच्छा कॉलेरा भी पुअर हाइजीन की वजह से होता है पोलियो भी पुअर हाइजीन की वजह से होता है एक अर्थराइटिस है जो पुअर हाइजीन की वजह से नहीं होता है तो अर्थराइटिस होता कैसे है जब आपके जॉइंट्स में जब आपके जॉइंट्स से प्रेजेंट साइनोवियल फ्लूड के अंदर कुछ इन्फ्लामेशन हो जाती है जॉइंट्स जो है आपस में जुड़ जाते हैं ज्यादा फ्रिक्शन कॉज करते हैं आपस में तो Uh, उसे उस कंडीशन को बोल देते हैं अर्थराइटस ठीक है तो अर्थराइटस जो है इसका आंसर uh, है राइट right? तो अर्थराइटस जो है उस उसको uh, होने के लिए हाइजीन uh, जो है उसका रीजन नहीं है ठीक है इसके अलावा टाइफाइड फीवर के बारे में बता चुकी हूँ ठीक है ये बाकी दो तीनों ऑप्शन है टाइफाइड कॉलेरा एंड पोलियो ये हाइजीन मेंटेन ना करने की वजह से होते हैं अब इनका कॉजिटिव एजेंट भी आपको यहाँ पे याद कर लेना चाहिए जैसे कि टाइफॉइड टाइफॉयड होता है सेल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से याद रखना है क्योंकि बहुत बार टीसीएस क्वेश्चन पूछती है इसमें से कौन सा डिजीज है जो बैक्टीरिया से है कौन सा है जो वायरस से है तो आपको याद रखना है टाइफ टाइफॉइड जो है वो होता है बैक्टीरिया से नाम है सेल्मोनेला टाइफी फिर है कॉलेरा कॉलेरा जो है वो किस चीज से होता है वो भी बैक्टीरिया से होता है नाब क्या है वाइब्रो कॉलरे ठीक है फिर आता है पोलियो पोलियो बायोलिटिस जो है ये भी एक तरह का आ, डिजीज है सबको पता है इसके बारे में वो पोलियो वायरस जो है आ, उससे होता है ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फ्लार फ्लार के बहुत भारी में पार्ट करा चुकी हूं आपको पता होगा कि आ, जो है आप क्वेश्चन पूछा है से कौन सा फ्लार का पार्ट नहीं है स्टेमेन होता है पिटियोल सेपल पिस्टल पिस्टल भी होता है सेप्पल भी होता है अः uh, पिटियोल नहीं होता है पिटियोल जो होता है लीफ को स्टेम से जोड़ने वाला जो छोटा सा स्टॉक uh, uh, होता है डंडी जो होती है छोटी सी उसे बोलते हैं पिटियोल ठीक है pitial, तो पिटियोल ये होता है फ्लावर का पार्ट नहीं होता है ठीक है अब फ्लावर के कौन कौन से पार्ट है जो आपसे पूछे जा सकते हैं अः uh, फ्लार में सबसे ऊपर अगर मैं बात करूं तो मैं शुरू करती हूँ स्टिग्मा से ठीक है स्टिग्मा ठीक है ये होती है स्टाइल और नीचे होती है ओवरी ठीक है ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लार एक फ्लार में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो कौन सा होता है ये पूरा होता है सिग्मा स्टाइल ओवरी इसको बोलते हैं पूरे के पूरे को बोलते हैं पिस्टल ठीक है जो यहाँ पे आपको ऑप्शन में भी दिया गया है इसके अलावा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की अगर बात की जाए फ्लावर के अंदर तो वो उसमें होता है एक एंथर ठीक है जो बाइलोब्ड होता है और एक होती है यहाँ पे फिलामेंट तो इसको मैं यहां पे लिख देती हूं एंथर एंड दिस इज फिलामेंट और इसको कलेक्टिवली इसको यहाँ पे बोला जाता है स्टेमन ठीक है तो इसको बोला जाता है स्टेमन जो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है तो स्टेमन होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बना है एंथर प्लस फिलामेंट ठीक है पिस्टल होता है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो किस चीज से बना है स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है <coughs> क्योंकि बहुत बार टीसीएस जो है इसी में से क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के पूछती है पिटियॉल में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ अलग से नीचे जो है इस टाइप से लटक रहे होते हैं अलग से है ग्रीन कलर की आपने देखी होगी ठीक है आगे हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन इसमें से कौन सा रोग है जो टीकाकरण द्वारा नहीं रोका जा सकता ऑप्शंस क्या दिए हैं रेबिस बेरी टाइफाइड एंड मीजल्स हाँ जी रेबिस की रेबिस वैक्सीन है ठीक है टाइफाइड की भी होती है मीजल्स की भी होती है बेरी की नहीं होती है बेरी जो है अपने आप ही क्योर हो जाता है अगर आप विटामिन रिच फूड जो है वो लेते हो तो अपने आप ही क्योर हो जाता है वो ठीक है इसके अलावा जो है आ, हाँ जी रेबिस की कौन सी वैक्सीन है यहाँ पे रेबिस की वैक्सीन है इमोवैक्स ठीक है टाइफाइड के लिए आ, भी वैक्सीन होती है आ, टेल्मो, सेल्मोडेला टाइफी से होता है ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ ठीक है आ, मीजल्स भी जो है इसके लिए भी जो है एक वैक्सीन होती है जो बचपन में ही बच्चों को लगा दी जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है द फाउल स्मेल फ्रॉम अ बॉडी स्पेशली ड्यूरिंग अ स्लटरी समर इज ड्यू टू द एक्शन ऑफ किस चीज के एक्शन से होती है और स्वेट ठीक है विशेष रूप में उस भरी गर्मी के दौरान शरीर से निकलने वाले दुर्गंध पसीने पर किसकी क्रिया के कारण होती है आपके पसीने में बदबू क्यों आती है पसीने के साथ किस चीज का एक्शन होता है आपसे पूछा है ऑप्शंस क्या दिए है? हैं ऑप्शंस दिए हैं मेलानिन मॉइस्चर बैक्टीरिया या वायरस राइट बैक्टीरिया इसका आंसर है ये तो इजी क्वेश्चन है ठीक है इसमें कुछ ज्यादा करने का नहीं है मेलानिन सबको पता है आपका स्किन का पिगमेंट है मेलानिन ठीक uh, है फिर आता है मॉइस्चर तो सबको पता है जनरल टर्म है वायरस सबको पता है जनरल टर्म है ठीक है चलिए विच ऑफ द फॉलोइंगेक्टिस्टिक ऑफ परमानेंट टिश्यू परमानेंट टिश्यू क्या क्या करेक्टिस्टिक है सेल डिवाइड रिपीटेडली नहीं ये तो नहीं है इसका इनऑर्गेनिक इंक्लूजन आर एपेंट इंटरसेलर स्पेसेस आर प्रेजेंट आर वैक्यूलट बताइए राइट इंटरसेल्युलर स्पेसिस आर प्रेजेंट परमानेंट टिश्यू के अंदर जो है इंटरसेल्युलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं ठीक है हां जी चलिए तो परमानेंट टिश्यू के बारे में क्या क्या चीजें है जो आपको ध्यान रखती है सेल्स ऑफ ऑफ दिस टिश्यू हैव नो पावर डिवाइड डिवाइड नहीं नहीं होते है, repeatedly divide नहीं होते हैं हैं परमानेंट टिश्यूज एक बार डिवाइड uh, होके बन गए तो फिर uh, उसके बाद फर्दर डिवाइड नहीं होते हैं सेल वॉल जो होती है इसमें प्रॉपरली शेप्ड होती है वेल well डेवलप होती है सेल वॉल सेल वॉल जो है वो थिक होती है न्यूक्लियस बड़ा होता है साइज uh, में Cytoplasm जो होता है, होता है होता है वो बहुत ही डेंस के बीच में जो है इंटरसेलुलर स्पेसेस भी वहां पर होता है ठीक है परमेंट टिश्यू के थ्री मेन टाइप्स कौन से है पैरल कायबा कॉलर कायबा स्कैनर कायबा और इनको अलग अलग टाइप्स इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि अलग अलग जगहों पर इसमें थिकनिंग होती है सेल वॉल में थिकनिंग होती है इसलिए और इनका जो रोल है अलग अलग जगहों पर है इसलिए इनको जो है तीन कैटेगरी में बांटा गया है परमानेंट टिश्यू को पैर कायमा कॉलर कायमा एंड स्कैल कायमा चलिए कैमिलिया साइनेसिस इज अ प्लांट दैट प्रोड्यूस आपसे पूछा है कैमिलिया साइनेसिस एक पौधा है जो क्या पैदा करता है ऑप्शंस दिए हैं आपको टी कॉफी जूट या शुगर के राइट टीस का आंसर है ठीक है तो कैमिलिया साइनेसिस एक प्लांट है जो प्रोड्यूस करता है टी ठीक है इसी के साथ साथ आप जूट का भी देख लीजिए uh, जूट का जो प्लांट uh, है उसको क्या बोलते हैं कोरकोरस कैप्सुलरिस राइट शुगर के इनको क्या बोलते हैं इनका साइंटिफिक uh, नेम क्या है सैक्रम ऑफिशी ठीक है ऐसे ही कॉफी अराबिका जो है इसको बोला जाता है जनरल टर्म है इसके लिए यूज करते हैं ठीक है चलिए आपसे पूछा है कौन सा वो फ्लूड है विच सिक्रेटेड बाय न्यू मदर्स ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन कंटेन्स दैट बूस्ट बेबीज इम्यून सिस्टम एंड हेल्प फाइट इंफेक्शन आपको बताना है स्तनपान के शुरुआती दिनों में नई माताओं द्वारा जो है एक फ्लूड जो है वो निकलता है जो बेबीज को दिया जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज होती है और वो बेबी के इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है और उसको इंफेक्शन से फाइट करने में हेल्प करता है तो उस फ्लूड को क्या बोलते हैं सीबम नहीं साइनोविया नहीं कोलास्ट्रम या सैरुमिन राइट कोलेस्ट्रम बोलते हैं ठीक है ठीके? तो डिलीवरी के बाद न्यू मदर्स जो होती है नई माए जो होती हैं लैक्टेशन uh, के टाइम में उनकी ब्रेस्ट से एक बहुत थिक एंड स्टिकी स्टिकी फ्लूड निकलता है बिफोर मिल्क मिल्किंग से पहले मिल्क आने से पहले एक थिक और स्टिकी फ्लूड निकलता है जिसे कोलेस्ट्रम बोलते हैं राइट right? तो ये कोलेस्ट्रम जो होता है वो बेबी को दिया जाता है ताकि उसका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो और वो इन्फेक्शन से फाइट कर सके ठीक है तो ये क्वेश्चन पूछा गया है अभी वाले एग्जाम में राइट right? इसके अलावा सीबम क्या है सीबम जो है आपकी जो अः स्किन है उसके ऊपर कुछ ग्लैंड्स होती है सेल्स होती है वो ऑयल और वैक्सी सप्टान्स जो सिक्रीट करती है सीबेशियस ग्लैंड बेसिकली उनको बोलते हैं उसको बोलते हैं ऑयली वैक्सी सप्टैंस को बोलते हैं सीबम साइनोविया क्या है एक लुब्रिकेटिंग फ्लूड है जो आपके जॉइंट्स के बीच में होता है ताकि जॉइंट्स में बहुत ज्यादा फ्रिक्शन ना हो और आपकी जो मूवमेंट्स है चाहे वो लेग की मूवमेंट हो लेग जॉइंट हो चाहे हिप जॉइंट हो चाहे आपके शोल्डर के जॉइंट हो वहां पे बहुत इजी हो जाए ठीक है अगर फ्रिक्शन होगी तो आपको पेन होगा क्योंकि जो बोन्स होगी आपस में फ्रिक्शन कॉज करेंगी तो वहां पे फ्लूड होता है जिसे बोलते हैं साइनोविया फिर आता है सैरोमेन सैरोमेन जो है वो ईयर वैक्स को बोलते हैं ठीक है थीके? इसके बारे में सभी को पता है आगे चले विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स है इसमें से कौन से एनिमल के पास एक से ज्यादा हार्ट है टीसीएस uh, right, बहुत बार क्वेश्चन पूछती है uh, कि किसी के पास फोर चैंबर हार्ट है किसके पास टू चैम्बर हार्ट है किसके पास थ्री चैम्बर हार्ट है ये जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि, कि किसके पास एक से ज्यादा हार्ट है तो ऑप्शन uh, यहाँ पे जो आंसर है वो है ऑक्टोपस ठीक है तो ऑक्टोपस के पास जो है टोटल थ्री हार्ट है ठीक है कौन से फाइलम से बिलोंग करता है मॉलस्क से बिलोंग करता है इसका जो ब्लड होता है वो ब्लू होता है राइट uh, फिर बात करते हैं कैमलियॉन की थ्री चैम्बर्ड हार्ट है टोटॉइस अगेन थ्री चैम्बर्ड हार्ट एंड पॉक्यूपाइन जो है वो इज अ प्रिक्लियस्ट ऑफ रोडेंट्स के बारे में पता है रोडेंट्स में आता है राइट चले आगे हां जी नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ऑफ फाइबर्स इन रिलेशन टू प्लांट आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो फाइबर का है प्लांट एंड फाइबर एंड वेसल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा जब आपने जाइलम एंड फ्लोइम्स के बारे में पढ़ा होगा तो वहीं पे हम सेल्स uh, के बारे में पढ़ते हैं डिफरेंट डिफरेंट तो फाइबर सेल्स के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पे पूछा है आपकी इसमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो फाइबर सेल्स की है प्लांट नॉट बी मेक प्रोसेस ओनली पिटेड आ, एंड वॉल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन एंड ऑल्सो मैकेनिकल सपोर्ट या फिर प्रोसेस वेरियस शॉर्टेड सेल्स राइट प्रोसेस ओनली पिटेड थिकनिंग्स ठीक है तो पिटेड थिकनिंग्स होती है इनमें फाइबर्स में ठीक है तो फाइबर्स कैसे हैं? इलांगेटेड है और उनकी जो एंड्स है इलांगेटेड है और उनकी जो एंड है ये टेपरिंग एंड्स है राइट right? हाँ जी प्लांट को क्या करते हैं सपोर्ट देते हैं फाइबर्स कैसे हैं? फ्लेक्सिबल है फ्लेक्सिबल भी होते हैं रिजिड uh, भी होते हैं हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ इफ द फाइबर्स आर ओरिएंटेड पैरेलल टू द फाइबर एक्सेस ठीक है oriented, uh, ये हो गया सारा का सारा आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन टिपिकल अडल्ट ह्यूमन बॉडी आपको बताना है एक सामान्य मानव शरीर में लगभग कितना ग्राम्स मैग्नेशियम होता है ट्वेंटी ग्राम्स टेन ग्राम्स फिफ्टीन ग्राम्स ट्वेंटी फाइव ग्राम्स राइट ट्वेंटी फाइव ग्राम इसका uh, सही आंसर है टिपिकल ह्यूमन बॉडी कंटेन्स ट्वेंटी फाइव ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम मैग्नीशियम चाहिए क्यों आपको फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बोन्स आपकी बोन्स के लिए आपको चाहिए इसके अलावा मैग्नीशियम जो है ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में हेल्प करता है बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है कर चुके हैं हम इसके अलावा हार्ट जो है उसकी रिदमिक प्रोसेस में उसको हेल्प करता है चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग सिमिट्रीज इज एग्जिबिटेड बाय अर्थोपॉड आपको बताना है अर्थोपॉड द्वारा इसमें से कौन सी सिमिट्री है अर्थोपॉड्स पे एक्सियल ट्रांसलेशनल रेडियल या बाइलेट्रल राइट अर्थोपॉड्स में होती है बाइलेट्रल सिमिट्री ठीक है रेडियल सिमिट्री जो है वो किसमें पाई जाती है वो पाई जाती है निडेरियंस में एग्जाम्पल्स क्या है जेलीफिश

संबंध का अध्ययन है स्टडी ऑफ इंसेक्ट एंड रिलेशनशिप टू ह्यूमंस एनवायरमेंट एंड अदर ऑर्गेनिजम्स ऑर्निथोलॉजी नहीं ऑर्निथोलॉजी जो है वो टर्म uh, यूज होता है फॉर द स्टडी ऑफ बर्ड्स बर्ड्स के लिए यूज होता है फिर आता है एंटीमोलॉजी एथिलॉजी एंड माइकोलॉजी माइकोलॉजी है जो फंगस की स्टडी को यूज करते हैं फंगी की स्टडी को ये होना चाहिए एंटीमोलॉजी ठीक है एंटीबोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ इंसेक्ट एंड रिलेशनशिप टू ह्यूम एनवायरमेंट एंड देयर ऑर्गनिज्म और इथो मैं बता चुकी हूँ बर्ड से रिलेटेड है बर्ड्स की स्टडी से रिलेटेड है इथोलॉजी जो है वो होता है स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर अंडर नेचुरल कंडीशन फिर होता है माइकोलॉजी जो स्टडी ऑफ फंजाई होता है ठीक है आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ होमिनिडे से कौन होमिनी डे के परिवार से संबंधित है मैंगो हाउस फ्लाई वीट या मैन राइट मैन मैन इसका आंसर है चलिए ठीक है तो मैन का जो साइंटिफिक uh, नेम है वो क्या है होमो सेपियन ह्यूमन बींग्स का फैमिली uh, जो है वो है होमिनी डे मैंगो जो है इसका साइंटिफिक नेम क्या है मैंगीफेरा इंडिका बिलोंग करता है कैश फैमिली से अच्छा मस्किडे मस्किडे जो है वो हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका नाम होता है हाउस फ्लाई का ठीक है ये टीसीएस क्वेश्चन पूछ चुकी है इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है वीट का साइंटिफिक नेम होता है ट्रिटिका एस्टिवियम फैमिली होती है पॉइसी ऐसे ही राइस का आप कर लीजिए वो होता है ठीक है ओ आर वाई जेड ए एस ए टी आई वी ए ठीक है एटाइवा ये साइंटिफिक नेम होता है राइस का चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द डब्ल्यू एच ओ हाइजीन रेफर टू यहां पे आपको फिल करने की क्या पार्ट आने चाहिए हाइजीन रेफर टू यहाँ पे आपको फिल करना है एंड पार्टिसिपेट दैट हेल्प टू मेंटेन फिर आपको फिल करना है दैट द स्प्रेड ऑफ डिजीज ठीक है ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं और सही ऑप्शन आपको बताना है देखिए हाइजीन रेफर्स टू कंडीशन कंडीशन है ये एक तरह की ठीक है तो ऑप्शन तो क्या हुआ सी और डी में से कोई एक है एंड प्रैक्टिस दैट हेल्प टू मेंटेन करता है एंड प्रिवेंट और प्रिवेंट करता है द स्प्रेड ऑफ डिजीज राइट तो आंसर क्या हुआ डी राइट right? इसके अलावा और क्या चीज इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है डब्ल्यू एच ओ का हेडक्वार्टर कहाँ है सबको पता है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है कब बनी नाइनटीन में नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ अ प्लांट डिजीज इसमें से कौन सा एक तरह का प्लांट डिजीज है ऑप्शंस क्या दिए आपको बॉट्यूलिज्म ब्लाइट कॉकीडियोसी या मैस्टिस बताइए राइट ब्लाइट क्या आपने लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो पढ़ा है वो डिजीज होती है प्लांट के अंदर तो ब्ला, ब्लाइट जो है वो प्लांट डिजीज होती है राइट कॉमन प्लांट डिजीजेस के यहाँ पे नाम लिखे गए हैं जैसे कि ब्लैक स्पॉट लीफ स्पॉट ठीक है डाउनी मेलड्यू कैंकर ये सारी चीजें इसके अलावा बॉटेलिज्म क्या है बॉटेलिज्म एक तरह की सीरियस इलनेस है जहां पे Uh, जो टॉक्सिन है वो अटैक करता है बॉडी के नर्व्स पे राइट uh, बाकी सब भी आप देख लीजिएगा जैसे कि ये वाली जो डिजीज है कॉकीडियोसिस होती है uh, एक प्रोटोजोन से जो कि आपकी इंटेस्टाइन की ब्यूटोजा लेयर के ऊपर जो है अफेक्ट uh, uh, करता है ठीक है उसको डैमेज करता है फिर आता है मैस्टिस मैस्टिस क्या है इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रे, ब्रेस्ट टिश्यू ब्रेस्ट की टिश्यू का इन्फ्लामेशन है

आगे चले हां जी तो स्कॉर्पियो इज एन एग्जाम्पल ऑफ अर्थोपॉर्ड्स ठीक है बाकी एग्जाम्पल्स कौन से हैं अर्थोपॉर्ड्स के लॉबोस्टर क्रैब स्पाइडर माइट्स इंसेक्ट्स सेंटिपीड्स एंड मिलीपीड्स एनिड्स में आते हैं बाकी सब ठीक है अर्थवॉम्ब भी आता है लीच भी आता है हुकवॉम्ब uh, भी उसी में आता है ठीक है हाँ जी आपसे पूछा है सेट्रोमाइसिस अ कॉमनली यूज्ड टू मेक सैकरोमाइसेस सेरेविसी यीस्ट का साइंटिफिक नेम है यीस्ट है ये ठीक है किस में यूज होता है यीस्ट किस में डालते हैं आप बेकिंग जब करते हैं किसी भी चीज की चाहे वो केक हो आपने इडली बना रही हो या फिर ब्रेड्स बना रहे हो बेकिंग में बेसिकली काम आता है यीस्ट तो आंसर क्या होगा योगर्ट कार्बोनेटेड बेवरेजेस चीज एंड ब्रेड ब्रेड ठीक है तो ब्रेड में यूज होता है सैकरोमाइसेस सेरेविसी ठीक है बेकर ईस्ट भी इसका कॉमन नाम है कई बार इसका कॉमन नेम भी पूछ लिया जाता है बेकर ईस्ट का साइंटिफिक नेम बताओ या इसका कॉमन नेम क्या है इस तरह से पूछा जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है कैप्सा सीनोइड्स फिनोलिक्स एंड विटामिन आर डोमिनेंट केमिकल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स आपको पूछा है कि यहाँ पे चार फूड दिए हैं कौन से फूड में ये तीनों चीजें मिलती है कैप्सिनॉइड कैरेटोनॉइड एंड फिनोलिक्स एंड विटामिन ऑप्शन दिए हैं कैरेट गार्लिक रेडिश चिली गाजर लहसुन मूली मिर्च क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री राइट चिली मिर्च में ये सारी चीजें पाई जाती हैं ठीक है ठीके? इसके अलावा कैफी एसिड इज अ फिनोलिक एसिड है एक तरह का जो कैरेट में मिलता है गार्लिक uh, में क्या पाया जाता है गार्लिक में पाया जाता है एलिसिन केमिकल मिलता है उसमें ठीक है uh, बाकी रेडिश के अंदर है ऑक्सैलिक मैलिक मेलोनिक एंड अर्थ्रोबोरिक एसिड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजीज कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर कंटामिनेटेड वाटर पीने से इसमें से कौन सी डिजीज होती है स्कर्वी कॉलेरा रिकेट्स एनीमिया स्कर्वी होता है विटामिन सी की डेफिशी से ठीक है कॉलेरा ही इसका आंसर है ठीक है रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से कैल्शियम की कमी से एनीमिया होता है आयरन की कमी से चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू द फाइलम आपको बताना है uh, कि इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म uh, जो इस पर्टिकुलर फाइलम से बिलोंग करते हैं आल्सो कॉल्ड फ्लैट बॉर्म्स ठीक है हाँ जी प्लेटी हेलमिंथिस नीटोफोरा पॉरिफेरा निडेरिया राइट ये इसका आंसर है तो फाइलम प्लेटी हेलमिंथिस से बिलोंग होने वाले ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको फ्लैट बॉर्म्स भी बोला जाता है ठीक है एग्जाम्पल्स क्या याद रखने हैं आपको एग्जाम्पल्स याद करने हैं टैपवॉम टेनिया फैसिक्योला लीवर फ्लू

क्लैथिरना साइकॉन ग्रिया ठीक है स्पॉन्जिला में आते हैं कोरल्स ये इंपॉर्टेंट है हाइड्रा जेलीफिश ठीक है ये चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपनिया इंडिका एंड हाइपनिया बुलाटा आर टाइप्स ऑफ हाइपनिया इंडिका और हाइपनिया बुलेटा Uh, क्या है कि, कि किस चीज की टाइप है ग्रीन सीवीड ब्लैक सीवीड येलो सीवीड या रेड सीवीड हाँ हां जी क्वेश्चन नंबर है ट्वेंटी सिक्स राइट रेड सीवीड ठीक है तो रेड सीवीड जो है वो होती है uh, उसके टाइप्स है ये हाइपनिया इंडिका एंड हाइपनिया बुलाटा चले आगे Uh, इसके अलावा तीन टाइप्स के सीवीड्स होते हैं जो नॉर्मली पाए जाते हैं समुद्र में ब्राउन एलगी है ठीक है फियोफाइटा ग्रीन एलगी को बोलते हैं क्लोरोफाइटा एंड रेड एलगी को बोलते हैं रोडोफाइटा ये आपको याद रखना है और इनके कुछ फेमस uh, एग्जाम्पल जो बार बार पूछती है टी वो आपको याद रखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द साइंटिफिक नेम फॉर द डोमेस्टिक यहाँ पे आपको फिल करना है कौन सा एनिमल आप फील करेंगे जिसको बोला जाता है कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है हाँ जी uh, ये है बफेलो कैट डॉग या का हाँ जी डॉग इसका आंसर है ठीक so, है तो साइंटिफिक नेम है डोमेस्टिक डॉग का क्या है साइंटिफिक नेम कैनिपस ल्यूपस राइट बफेलो का

किंगडम से बिलोंग करते हैं एस्पर्जुलस राइजोपस म्यूकर यूग्लीना नहीं करता यूग्लीना जो है वो यूकैरियोट है ठीक है यूग्लीना इज अ जीनस ऑफ अ सिंगल सेल फ्लैजेलेट यूकैरियोट्स कौन से किंगडम से बिलोंग करता है प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है इसके अलावा जो है आ, मैं आपको बता चुकी हूं राइजोपस पेनिसिलियम एस्परजिलस ये सारे जो है फंगाई से बिलोंग करते हैं फंगी भी बोलते हैं फंगी से बिलोंग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पार्टिसिपेशन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज नॉट रिकमेंडेड फॉर द मोटर डेवलपमेंट ऑफ अ स्टूडेंट एक छात्र के मोटर विकास के लिए इसमें से किस गतिविधि में भाग लेने की अनुशंसा नहीं की जा सकती प्लेइंग क्रिकेट ये एक तरह का मोटर डेवलपमेंट है करती है ज्वाइनिंग अ डांस क्लास है अटेंडिंग योगा सेशन है हेल्पिंग द विजुअली चैलेंज नहीं ये नहीं है ठीक है तो एग्जाम्पल क्या है मोटर डेवलपमेंट के स्टूडेंट के अंदर टू रन हो बैलेंस ऑन अ रोप थ्रो एंड किक अ बॉल क्लाइंब अपने की सारी इसके अलावा स्कूपिंग क्रॉलिंग किकिंग बाउंसिंग डांसिंग स्कूटिंग नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है इसमें से कौन सी जो डिजीज है डिसऑर्डर है वो होती है जिसकी वजह से जो है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है ब्रेन सेल्स में से जिसकी वजह से सीजर्स आते हैं दौरे पड़ते हैं ठीक है ठीके? तो हाँ जी उस डिसऑर्डर को क्या बोला जाता है प्रोस्टाइटिस हाइपोग्लाइसीमिया एपिलेप्सी र्यूबेटॉइड अर्थराइटिस अर्थराइटिस के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ जॉइंट्स पे होता है ठीक है जॉइंट्स पे साइडोवियल uh, फ्लूड होता है उसमें हो जाती है इन्फ्लामेशन तो इस इंफ्लामेशन की वजह से जो है जॉइंट्स में जो है अर्थराइटिस हो जाता है फिर आता है प्रोस्टेटिस जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड में इंफ्लामेशन को बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया ये तो बहुत ही कॉमन वर्ड है हाइपो मतलब लेस ग्लाइसीमिया मतलब शुगर लो ब्लड शुगर को बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया तो आंसर क्या आया एपिलेप्सी ठीक है तो ऐसे आप एलिमिनेशन से भी इसका आंसर uh, कर सकते हैं ठीक है थीके? चलिए इज अ डिसऑर्डर रिजल्टिंग इन एबडोबर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज फ्रॉम ब्रेन सेल्स कॉजिंग सीज़र्स हां जी बीसीजी का जो वैक्सीन है वो किस चीज के लिए लगाया जाता है सबको पता है ट्यूबो क्लॉसिस के लिए लगाया जाता है राइट right? किससे होता है ट्यूबरक्लोसिस क्लॉसिस टीबी किससे होता है माइको बैक्टीरियम ट्यूबर कोलोरॉसिस ठीक है बैक्टीरियम है माइक्रो बैक्टीरियम क्लॉसिस इसके अलावा प्लेग के बारे में सबको पता है इन्फेक्शन डिजीज है दैट एंड किससे होता है पैरा मैक्सोवाइरस से होता है फिर आता है टाइफॉइड के बारे में हम पढ़, चु, पढ़ चुके हैं सेल्बोरेला टाइफी नेक्स्ट क्वेश्चन द ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर विच डील्स विद द प्रोडक्शन स्टोरेज प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ वेजिटेबल्स इज कॉल्ड बागवानी की, आ, की वह शाखा जो सब्जियों के उत्पादन भंडारण और उसके अलावा उसकी प्रोसेसिंग और मार्केटिंग आ, से संबंधित है उसे क्या कहते हैं पोमोलॉजी एग्रोनॉमी, ऑरिकल्चर या एपिकल्चर, राइट ऑरिकल्चर एपिकल्चर जो है वो बी की कल्चर को बोलते हैं ठीक है ठीके? ब्रांच ऑफ हॉटीकल्चर विथ डील्स विद प्रोडक्शन स्टोरेज प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ वेजिटेबल्स इज कॉल्ड ऑरिकल्चर पॉगोलॉजी है जो वो फ्रूट की ग्रोइंग बोलते हैं एग्रोनोबी जो है ये बोलते हैं डील्स विदीड क्रॉप प्रोडक्शन एंड सॉयल मैनेजमेंट फिर बी कीपिंग को बोलते हैं एप्रीकल्चर हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कार्निवरस प्लांट इसमें से कौन सा कार्निवॉरस प्लांट है हाँ जी Uh, क्लार्कि uh, ड्रोसेरा हॉलीहुक या साइसम अलाइसम बताइए राइट बी इसका आंसर है ड्रोसेरा ठीक है तो ड्रोसेरा जो है एक तरह का कार्निवोरस प्लांट है इसके अलावा और कौन सा है पिचर प्लांट ये तो बहुत कॉमन है वीनस फ्लाई ट्रैप ये बहुत कॉमन है इलेवन ट्वेल्थ की एनसीआरटी में मिल जाएगा आपको ये येलो पिचर प्लांट ठीक है कोबरा लिली बटरफ्लाई मंकी ये सारे के सारे जो है वो कार्निवोरस प्लांट्स है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ दिडल लेयर इज द रूट एपिकल आपको बताना है इसमें से आपको की जो उसकी मिडल लेयर जो है वो कौन सी है जो कि कॉर्टेक्स बनाती है पेरिब्लम कैलिपट्रोजन डर्मेटोजन या प्लीरोम जी राइट पैरीब्लेम ठीक है तो पेरीब्लेम इसका आंसर है इसे वो ये जो होती है वो मिडल लेयर होती है राइट पेरीब्लेम इज मिडल लेयर इन द रूट एपिकल बैरिस्टिप जिसकी वजह से जो है आगे फर्दर कॉर्टेक्स बनता है फिर आता है कैलिट्रोजर जो है ये ये भी लेयर है आ, रूट की रूट टिप की लेयर है जहां पर जो है बहुत जल्दी जल्दी डिवीजन होती है सेल डिवाइड्स होते हैं फिर है डर्मेटोजर ये आउटर प्राइमरी बेरी स्टेप है प्लांट पार्ट्स की अकॉर्डिंग टू द हिस्टोजन थ्योरी जो आपने नॉर्मली पढ़ी हुई है इलेवेंथ ट्वेल्थ में प्लीरोम जो होता है ये सेंटर कोर होता है प्राइमरी मेरी स्टेम ऑफ प्लांट में ठीक है और और क्या आ सकता है इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है जो मेरी जो टर्म है ये किसने दी थी तो आंसर होगा सी नेगेली इन 1858 चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मॉस्किटो इसमें से कौन सा एक तरह का मॉस्किटो नहीं है हाँ जी बताइए एनोफिलोज मॉस्किटो बहुत आ, बार हम पढ़ चुके हैं मलेरिया कॉज करता है उसका आ, जो है कैरियर है वेक्टर है ठीक है एनोफिलीज मॉस्किटो एड मॉस्किटो डेंगू के लिए हमने पढ़ा हुआ है ठीक है क्यूलेस भी एक तरह का मॉस्किटो है लिमुस नहीं है लिमुलस नहीं है ठीक है तो आंसर हुआ ए तो uh, cum, uh, lumulus क्या है? Lumulus is a genus of uh, horse, chew इसके है, इसके अलावा जो ये भी एक तरह का मॉस्किटो है, जो क्या करता है नाइल फीवर कॉज करता है एडिस uh, आपको बता चुकी हूँ क्या स्प्रेड uh, करता है डेंगू चिकनगुनिया जीका फीवर येलो फीवर मलेरिया के लिए हम पढ़ चुके हैं एनोफिलिज मॉस्किटो एनोफिलिज मॉस्किटो में भी फीमेल एनोम मॉस्किटो जो है वो जो है वो आ, कैरियर होती है आ, मलेरिया का ठीक है मलेरिया होता किससे है प्लाज्मोडियम से होता है और प्लाज्मोडियम में भी चार तरह के हैं प्लाज्मोडियम फेलसीपैर बायोवेक्स और वेल ठीक है ये सारी चीजें आपको आ, पता होनी चाहिए आगे चलते हैं हाउ मेनी आईज डज हैव मधुमक्खी की कितनी आंखें होती है टू फोर थ्री फाइव हाँ जी बताइए राइट फाइव इसका सही आंसर है राइट एंड द साइंस एंड आर्ट ऑफ मैनेजिंग हनी बी इज कॉल्ड एपीकल्चर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इन द ऑफ़ द स्प्रेड ऑफ जर्म्स बाय फिकल मैटर विच ऑफ द फॉलोइंग डज़ नॉट फिगर इन द एफ डायग्राम आपको बताना है कि फीकल मैटर से स्प्रेड होने वाले जो जर्म्स हैं उससे कुछ डिजीजेस होती है ठीक है डिजीज होती ही है राइट तो एफ डायग्राम एक बनाया जाता है तो आपको बताना है उस एफ डायग्राम के अंदर इसमें से कौन सी चीज इंक्लूड नहीं है देखिए फिकल मैटर जो है ना वो कैसे स्प्रेड uh, होगा वो स्प्रेड कैसे होगा वो स्प्रेड हो सकता है हमारी फिंगर से अगर हमने हैंड अच्छे से वॉश नहीं करे फ्लूड से हो सकता है अगर किसी तरह पानी कंटामिनेट हो जाए फ्लाइ से हो सकता है अगर uh, फ्लाइज जो है ओपन फीसिस uh, पे बैठी है और बाद में वो फूड पे बैठ गई तो आ सकता है लेकिन फंजाई से नहीं हो सकता तो आंसर है इसका डी ठीक है और ये है आपका एफ डायग्राम यहाँ पे देख लीजिए फीसिस है और एफ डायग्राम में फ्लूड से जा सकता है फील्ड से जा सकता है फ्लाई से ट्रांसफर हो सकता है फूड से फिंगर uh, से ट्रांसफर होगा फूड पे और वो फूड हम खाएंगे और कोई भी होस्ट खाएगा और वो उसको वो डिजीज हो जाएगी ठीक है तो ये जो था इसका आंसर था डी राइट right? चलिए तो ये था आज का सेशन जिनको जिसको हमने अच्छे से डिस्कस किया 37 सेवन क्वेश्चन ही अ, टोटल पूछे गए थे और सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिनको अगर आपने पढ़ा है तो ही आपको आता है और अगर नहीं पढ़ा है तो आप जो है उसको आइडिया लगा के नहीं कर सकते हैं कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो कि टफ थे राइट चलिए तो इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन करना आपको बहुत जरूरी है ताकि आपको पता लगे कि अ, कि बायोलॉजी के कौन सेक्शन पे से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं ठीक है थीके? इसके अलावा अगर आपको ये क्वेश्चन करने हैं और आपको चैप्टर वाइज प्रिपरेशन करनी है तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं जिसका नाम है एस एस सी सी जी एल टीयर वन ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी वन हंड्रेड टी सी एस एम सी क्यों चैप्टर वाइज कवरेज है ठीक है इसमें सारे क्वेश्चन दिए गए हैं ना कि सिर्फ बायोलॉजी सारी स्टेटिक जी के रीजनिंग भी है रीजनिंग इंग्लिश सारे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं अलग अलग से ठीक है तो ये आप आ, कर सकते हैं राइट हाँ जी तो इसमें दिया गया है रीजनिंग जर्नल स्टडीज मैथ्स एंड इंग्लिश सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं जो अभी एग्जाम में आए थे जो टीसीएस ने पूछे थे अप्रैल वाले एग्जाम्स पे राइट तो ये बुक इजीली अवेलेबल है एमेजॉन एंड फ्लिपकार्टे आप वहां ऑर्डर कर सकते हैं इसके अलावा इस बुक को आप अपने नजदीकी बुक स्टोर से भी परचेज कर सकते हैं और अगर आप चाहे तो आप पिनाकल की वेबसाइट पर जाकर ई बुक भी ऑर्डर कर सकते हैं ठीक है तो सारे इंपॉर्टेंट लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए है, हैं वहां जाके आप चेकआउट कर लीजिएगा चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जहां पर हम हाँ कवर करेंगे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के क्वेश्चंस जो ने है पूछे हैं अभी पीछे ही एग्जाम्स में जो अप्रैल में हुआ था ठीक है तो पढ़ते रहिए ऐसे ही तैयारी करते रहिए और भी अच्छी तैयारी करने के लिए आपको जरूरी है मोक टेस्ट लगाना तो पिनाइकल की वेबसाइट पे जाइए टेस्ट पास ज्वाइन करिए और ढेर सारे मोक टेस्ट लगाइए ताकि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इम्प्रूव हो सके ठीक है तो ये था मेरा सजेशन आपको आपकी तैयारी के लिए पढ़ते रहिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी थैंक यू